हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सिटीजन फरहमान मोगल। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो एक तरह की बला है। AI हर जगह आप लोगों ने नाम सुना है, लेकिन उसका मतलब बहुत ही कम लोगों को पता चला है। आई गेस इंस्टाग्राम खोलो AI, यूट्यूब खोलो AI। आखिर है क्या चीज है AI? AI मैं तुम लोगों को बताना चलू, AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोलने? AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ऐसा रोबोट जो इंसानों की शक्तियां उसमें डाली गई हैं। फॉर एग्जांपल, उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं इंसानों की, ऐसे लर्निंग की, रीजनिंग की, प्लानिंग की, क्रिएटिविटी की। तो सोच लो, पाकिस्तानियों, इस मुल्क में कितने भी लोग हों, तुम लोगों की जॉब्स जाने वाली है बेटा। इसलिए कहते हैं कोई दूसरा बिजनेस पकड़ लो। अच्छा, अब जब AI की बात स्टार्ट हुई है तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। एप्पल सीरी, एलेक्सा, गूगल न्यू, माइक्रोसॉफ्ट क्रोनोटा, ये डिजिटल असिस्टेंट्स हैं जो अपने यूजर्स को डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब जब AI की बात चल रही है तो इसके जरिए बहुत सारे लोगों के आने वाले वक्त में, फ्यूचर के अंदर, बहुत सारे लोगों के लिए मसला हो सकता है जो एक जॉब करते हैं, जो एक किसी जगह एम्प्लॉय हैं। अब हर जगह रोबोट काम करेंगे और घर बैठ के उनके जो बनाने वाले हैं CEO पैसा खाएंगे, और तुम जैसे गरीब लोग जो है अनएम्प्लॉय होके घर पे बैठ के खाली जो है जॉब करने की भीख मांगोगे। सॉरी फॉर दिस। अच्छा, अब इसको थोड़ा सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली एन एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू डिस्प्ले ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। एक ऐसी मशीनरी है जो इंसानों की तरह जो है वो दूसरे क्या कहते हैं चीजें क्रिएट कर सकती है। आप खाली इंसानों की तरह एक कैपेबिलिटी जो है उसके अंदर एबिलिटी डाल दी गई है कि वो आपकी बातों को समझ सकता है और आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर सकता है, आपकी बातों का रिप्लाई कर सकता है। अब इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। एप्पल सीरी तो हमने सुना ही होगा, अब ये लैपटॉप के अंदर भी आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने कोई चीज करनी है, यू जस्ट टाइप ऑन गूगल एंड यू वांट समथिंग लाइक लोगो डिजाइनिंग और समथिंग, यू टाइप ऑन गूगल। AI की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपको खुद बता देगा कि आपको किस तरह का लोगो चाहिए, आपसे पूछेगा वो, और फिर आप लोगों को लोगो डिस्प्ले कर देगा। अब इससे फ्यूचर में क्या नुकसान और एडवांटेजेस होने वाले हैं, उस तरफ बात चलते हैं। अब एडवांटेजेस की बात आए तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हर चीज का एडवांटेज निकल आता है, लेकिन उसके साथ साथ ही उसमें हम जैसे लोग ऐसी कमी पेशियां निकालते हैं कि वो साइंसदान का बाप भी जो है हल नहीं कर सकता। अब पहले आते हैं पहले एडवांटेज की तरफ, एक न्यू टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमने ये तो पढ़ लिया कि न्यू टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन हमने दूसरी तरफ ये नहीं पढ़ा कि उसमें खाली इतनी ही कैपेबिलिटी होगी जितनी आप उसके अंदर स्टोर करोगे। जाहिर है, एक मशीन के अंदर खुद अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हमें सोचने की पावर दी है। अब उसको सोचने की पावर नहीं है, उसके अंदर वही चीज जो है आपको देगी जो उसके अंदर आपने इनपुट की है। फॉर एग्जांपल, कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप उसको कमांड करते हो कि भाई, फॉर एग्जांपल एलेक्सा ले लो, यू जस्ट कमांडेड के टर्न ऑफ द लाइट्स एंड ऑन द फैन, खाली उसकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, अब उसके अंदर जितनी इनपुट है खाली वो उतना ही आउटपुट देगा, वो अपनी तरफ से कुछ डिजाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं कहने वाला हूं वो ये है कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ह्यूमंस ने डिस्कवर किया तो वो ह्यूमंस के अंडर कंट्रोल ही रहेंगी। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। लेकिन 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 आने वाले वक्त में वो हर किसी की जॉब को जो है ओवरटेक कर लेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरे एडवांटेज की तरफ आते हैं, कैन हैंडल इंफॉर्मेशन बेटर देन ह्यूमंस। एग्जैक्टली, अब आजकल की जनरेशन में तो वैसे ही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस चलता रहता है और उसकी वजाहत मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम सबको पता है। अब चलते हैं आगे, इसकी इंफॉर्मेशन बेटर कैसे होगी ह्यूमन के जरिए, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है और जो सॉफ्टवेयर, जो भी इनपुट तुम इसके अंदर डालोगे वो खाली वही आउटपुट देगा, कोई फजूल बकवास नहीं करने वाला ये चीज। ठीक है, काम की बात करेगा और इंफॉर्मेशन ऐसी निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल है, ठीक है, अलेक्सा गूगल, अब उसके अंदर दुनिया जहां की इंफॉर्मेशन है वो खाली आपने उसको बोला कि गूगल फाइंड मी समथिंग, अलेक्सा फाइंड मी समथिंग, डू यू नो हिम, वो आपको पूरा उसका बायोडाटा निकाल के दे देगा। आप हर बंदे के पास जाओ, कोई बंदा उसको नहीं जानता, कोई बंदा किसी पर्सन को नहीं जानता। ये इजी टू यूज है, लेकिन इसकी नुकसान क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
दूसरा इसमें 24/7 अवेलेबिलिटी है। इसमें इंसानों ने खाली सोने की शक्तियां नहीं डाल पाए, खाली बाकी हर चीज डाल दी है इसके अंदर सवाए एक दिमाग के। ये एक और डिसएडवांटेज निकल आया उसका, हाई कॉस्ट। रिक्वायर्स अ प्लेंटी ऑफ टाइम, रिसोर्सेज चाहिए होता तुम्हें इसके लिए, और ह्यूज डील ऑफ मनी चाहिए होता, मतलब करोड़ रुपए लगा के तुम्हें एक चीज डिवाइस बनानी है, और अगर उसमें भी थोड़ी बहुत खराबी निकल आए तो तुम्हें दोबारा से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यूजफुल फीचर्स मतलब के एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करती है ये, ठीक है। आपको रिसर्च करके देगी, आपको साइंटिफिक काम करके देगी, और आपको गोल्डन एज की न्यू डिस्कवरीज करके देगी कमिंग ईयर्स में, ठीक है। और टेक्निक्स की हमने बात की तो सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस का नाम तो सुना ही होगा आपने, लेकिन इतनी मॉडर्न के बंदों का नौकरियां चली जाएंगी यार, क्या करेंगे बेचारे बंदे, क्या करेंगे यार, क्या करेंगे। So that's it for the video. I hope so you like the video. I know बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, और मैंने थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है AI को, हालांकि बहुत कुछ एक्सप्लेन करने को है इसके अंदर। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, until then, Allah Hafiz, take care, stay blessed, stay peace. जाओ 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 के कोई काम काज ढूंढो, वैसे भी AI आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने तुम्हारी नौकरियां झड़प लेनी है, समझो जाके बात को।